आज की अगर बात की जाए तो आज बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, बारिश लगातार चल रही है क्योंकि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं लद्दाख की, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। तो अब रुक कर लेते हैं कारगिल का। कारगिल के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये बर्फबारी उनके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से लोगों को जितनी भी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी अपनी फसलों को लेकर, वो नहीं झेलनी पड़ेंगी। अब उन्हें कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर बर्फबारी होने की वजह से लोगों को अपनी फसलों को लेकर काफी फायदा होगा। चलिए आम जनता का क्या कुछ कहना है वो आपको दिखा देते हैं। सर, ये इसके बर्फ के बहुत फायदा है, साल में पानी भी आएगा, लोगों को फायदा हो जाएगा हर जगह, तो इसमें फायदा है। मगर अभी आना जितना भी आएगा अभी ये बहुत अच्छा है, तो लिहाजा ये इस बर्फ से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ये स्नोफॉल बहुत हमारे लिए फायदा है, क्योंकि हमारे गर्मियों में पानी का बहुत किल्लत होता है, खासकर हमारे सोत इलाके में, क्यों इसलिए यहाँ बर्फ मतलब अच्छा पड़ा है, क्योंकि इसका हमें गर्मी में काफ़ी फायदा मिलेगा। सर, अभी तो मतलब आम यहाँ जिंदगी थोड़ा मतलब अभी इसी टाइम थोड़ा यहाँ गाड़ी वाड़ी चलने में, पेशेंट को आगे पीछे लेने में थोड़ा प्रॉब्लम तो है सर। चलो इसके मतलब चलते ही हमको मतलब बर्फ थोड़ा अच्छा ही काम देगा सर आगे। देखो सर, ये इसका जो स्नोफॉल होना हमारे करगिल के नुक्ते नज़र से जो है वो अच्छा है, क्योंकि इसका अच्छा फायदा ये है कि ये जो है कल बारिश में ये बर्फ टिक जाता है और हमारे यहाँ करगिल को गर्मियों में पानी की किसी किस्म की कमी नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता इसका ये नुकसान यही है, क्योंकि सख्त सख्त सर्दी की वजह से यहाँ गाड़ियाँ चलने में थोड़ा बहुत स्लिप हो जाता है और थोड़ा सा यहाँ बीमार होने का खतरा होता है, लेकिन ओवरऑल इस टाइम में आना हमारे लिए ओवरऑल फायदा है। देखिए, बर्फ अभी तक पिछले ये 24 या 26 घंटों के दौरान जो बर्फबारी हुई है, लगभग कारगिल के अंदर ही 1.25 फुट के करीब जो है देखने को मिल रहा है। आप खुद देखिए, गाड़ियों के ऊपर, छतों के ऊपर जो है ना बर्फ के तह को हम खुद नाप सकते हैं। तो इस बर्फबारी से आने वाले दिनों में किसान बहुत लाभ ले सकते हैं। पहाड़ों पे इससे भी दुगनी तिगनी बर्फबारी होती है, साथ ही साथ इस बर्फ का लाभ जो है किसान जो है ना बखूबी हासिल कर सकता है, क्योंकि उन्हें गर्मियों में पानी की किल्लत से जो है ना दो चार होना नहीं पड़ेगा। ये कुदरती जो नियामत जो है, इसके लिए अभी भी हमें दुआगो होना चाहिए बारगाह इलाही में कि इससे भी ज्यादा बर्फबारी जो है कारगिल के अंदर हो, कारगिल के पहाड़ों पे हो, लेह के पहाड़ों पे हो, ताकि लद्दाख का आवाम जो है इस बर्फबारी का फायदा जो है आने वाले मौसम गर्मा में बआसानी हासिल कर सके। चलिए, अब आपको हमारे संवाददाता हुसैन खालू ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, वो दिखा देते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं खालू। दर्शकों, इस समय हम ठीक कारगिल टाउन से ये रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस साल सीजन का पहला हेवी स्नोफॉल जो है आज पूरे लद्दाख क्षेत्र में आज देखने को मिला। इससे पहले जो है ठंड काफी, इस साल थोड़ा अर्ली ठंड और जल्दी जोजला क्लोजर की वजह से कॉमन लोगों को जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो इस साल सीजन का यानी कि कल से जो है हेवी स्नो फॉल जो है आज पूरे लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिला। तो इसी सिलसिले आपको ये भी बताते चलूं कि इस साल अर्ली जोजला क्लोजर की वजह से भी लोगों में कॉमन बेसिक कमोडिटीज को लेके भी काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इस साल स्टॉकिंग्स को लेके काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था कॉमन पब्लिक को। और ठंड जो है इस साल द्रास और कारगिल और अगर हम संस्कार की बात करें तो -35 डिग्री से नीचे जो है आज इस साल टेम्परेचर भी गिर चुके थे। तो आपने साफ देखा कि हुसैन खालू ग्राउंड जीरो से हमें कारगिल से रिपोर्ट दे रहे थे और आम जनता भी बातचीत करते हुए नजर आई और साफ तौर पर यही कहना था कि ये बारिश और बर्फबारी कारगिल के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि कारगिल के किसानों को पहले कई समस्याओं से जूझना पड़ता था, क्योंकि उनकी फसलों को लेकर पानी नहीं उन्हें मिलता था और अब जितनी बर्फबारी हो रही है उससे काफी फायदा उन्हें होगा। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले लद्दाख को कई परेशानियों से जूझना पड़ता था, कई ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता था जो उनकी समाधान नहीं करवाया जाता था। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लगातार लद्दाख के लोग, कारगिल के लोग अपनी समस्याओं से वंचित नहीं रह रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। हुसैन खालू के साथ आशा सरमाल की रिपोर्ट।